अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रुकमानवीज यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी इट्स वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। आज मैं आपको पीच के साथ स्क्वैश बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पे है मेरे पास 1 kg आड़ू। आपने जब आड़ू ख़रीदने हैं तो रेड कलर के आड़ू का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि जो येलो कलर में आड़ू होते हैं वो जल्दी गलते नहीं हैं। इस तरह से पहले इनके स्लाइसेस निकाल लीजिएगा, फिर स्किन पतली उतरती है। अब आपने इसका छिलका उतारते जाना है। देखें जी, फ्यू मिनट्स में हमने इसकी स्किन उतार ली है और पीस के हमने स्लाइसेस कर ली हैं। अब हम इनके डाइस फॉर्म में इनको कटिंग करेंगे। आवर डाइस फॉर्म कटिंग इज़ रेडी। आपने पीसेज इस तरह से बड़े रखने हैं। अब हम इसे वॉश करेंगे। यहाँ पे हमारा पैन हीटेड हो गया है। हीटेड पैन में हम ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। अब आपको 1 मिनट इंतज़ार करना है कि आपके पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। बॉयल आने के लिए हम इसको स्टीम से कवर कर देंगे। अब ये देखें, पानी के अंदर हमें बबल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। इट्स मीन कि हमारा पानी फुल टेम्परेचर पर हीटेड हो गया है। अब हम इसमें अपने वॉश किए हुए पीच डाल देंगे। अगर आपको लगे कि पानी की क्वांटिटी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसे स्टीम से कवर कर देंगे मैक्सिमम 15 मिनट तक। ये देखिए, हमारे पीस काफ़ी हद तक गल गए हैं, लेकिन चूंकि हमें स्क्वैश बनाने के लिए प्योरी बनानी पड़ती है तो हमने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया था। 1 kg पीच थे। अगर हम ऑलरेडी पानी ज़्यादा ऐड कर देते तो फिर इसे ड्राई करना मुश्किल हो जाता और हमारी प्योरी ज़्यादा गल जाती। तो अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे। और हम इसे दोबारा 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे। अब हम इसे ओपन करते हैं। हमें मिरर से नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी थिकनेस आ गई है। और ये देखिए, हमारे पीसीज जो हैं, पीच पीसीज पहले से ज़्यादा गल चुके हैं। अब हम इसके लिए मैशर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसे हल्का हल्का प्रेस करते जाएं। गले हुए पीसीज हैं, ये बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर है। फूड कलर का इस्तेमाल ऑप्शनल होता है, इट्स डिपेंड योर चॉइस। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, फूड कलर डालने से इसका कलर चेंज हो जाता है। एक दफ़ा हम फिर मैशर यूज़ करेंगे ताकि जो पीसीज बड़े रह गए हैं वो भी मैश हो जाएं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के बाद
ब्लेंड करेंगे। जब आपने फ्लेम बंद करनी है तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी रहे, आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। जब तक हमारे आड़ू के पीसेस ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। इस पैन में हम अपना शीरा रेडी करेंगे। पैन प्री हीटेड होने के बाद हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं। अब आप इंतज़ार करेंगे पानी के गर्म होने का। पानी गर्म होने के बाद हम इसमें 1 प्याली चीनी ऐड कर देंगे। चीनी का इस्तेमाल स्क्वाश में ज़्यादा रखा जाता है। ये हम अपना टेस्ट चेक करने के बाद डाल देंगे। अब हमें चीनी को अच्छे से हल करना है। अगर हमें अपनी चीनी का लेवल कम महसूस होगा तो हम बाकी शुगर ऐड कर देंगे। जब तक फ्लेम पे हमारा शीरा रेडी होगा तब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। हमें इस पीच की प्योरी बनानी है। आड़ू अच्छे से ठंडे होने के बाद आप ब्लेंडर मशीन में इसको डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं। जब आपको इस तरह से पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग बबल्स नज़र आने लगे, बबल्स का साइज़ नॉर्मल पानी से बड़ा है, आपने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना। जब इसमें इस तरह से बबल्स बनने लगे तो हम इसमें अपनी पीच की प्योरी ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें और इसका टेक्स्चर चेक करें। देखिए पीच की प्योरी डालने के बाद इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाती है। अब हम इसमें अपना शुगर लेवल टेस्ट करेंगे। इसमें हमारा शुगर लेवल परफेक्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू टेस्ट ठीक है, लेकिन चूँकि स्क्वाश बनाने के लिए हमें शुगर की क्वांटिटी नॉर्मल टेस्ट की निस्बत ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो हम इसमें अपनी थोड़ी सी शुगर और ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। अब आप ख़ुद नोटिस कीजिए कि हमारा स्क्वाश काफ़ी रेडी होना शुरू हो गया है। देखिए इसमें थिकनेस आ गई है। जब ये साइड से किनारे छोड़ना शुरू करे इट्स मीन कि ये रेडी हो चुका है। अब हमें विस्क लेना है और उसकी हेल्प से इसको थोड़ा सा बीट करना है। या खुद गौर कीजिए कि विस्क चलाने के बाद कितना ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा थिक आपने नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये रूम टेम्परेचर पे भी इसमें थिकनेस आती है, और फिर जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं तब भी ये थोड़ा थोड़ा थिक होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पीच स्क्वाश रेडी है। अब मैं आपको इसकी सर्विंग करना सिखाती हूँ। हम ऐड करेंगे इसमें आइस क्यूब। ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना मज़े का बनता है। आइस क्यूब ऐड करने के बाद हम इसमें जो हमने पीच क्यूब्स में काटे हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपना पी स्क्वाश ऐड कर देंगे। ये आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए इट्स वेरी अमेजिंग। आप इसे 7-Up बॉटल के साथ भी ले सकते हैं, और आप इसे वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
आई होप आपको पी स्क्वैश रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई करें। इंजॉय विद योर किड्स, इंजॉय विद योर फैमिली एंड गेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।